दोस्तों ये दूसरा जहाज आ गया है। पहले वाला तो लैंड की मुकम्मल कोई आर्मी वालों के लैंडिंग की जगह है जहाँ हाथ पे मारो हाथ पे। उठा कुछ चीज है वो आपको दिखाएं। 1 2 3 नीचे कौन जगह इतनी खाई है? ऊपर आने के बाद तो नीचे कोई भी नहीं जाता है। गुड बाय गया। रमजान के रोजे खोलने के लिए धर्म आज इफ्तारी करनी है। जुल के एक झील दे विच वीआईपी जगह है। बाकी सारे नाल रसो अस तैयारी वारी करके दे। ड्राइवर साहब सारा दा पैतवाल दे दे फटाफट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? खरियत है? तबीयत के पता चलता है ना? आज आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हमसे भी। यही डिटेल की मैं बना रहा सारे के भी ज्यादा। दोस्तों आज हम शंगरेला जा रहे हैं और भाई से पूछते भाई वहाँ पे हमने करना है इफ्तारी। ठीक है, पूरी इफ्तारी करेंगे। और क्या क्या सीन होते हैं भाई उस वहाँ पर? वहाँ पे आपको शंगरेला रिजॉर्ट है, बाकी लेक भी है और अपर लेक भी है उस साइड पे है शंगरेला से। आप पर जाके अपर लेक आएगा और अगर हम इफ्तारी किया तो हम शंगरेला के टॉप पे करेगा। ऊपर के साइड से पूरे शंगरेला का नीचे व्यू आएगा, आखिरी व्यू है ना। जबरदस्त व्यू है जहाँ पर हमने आज इफ्तारी करनी है। इफ्तारी वाले कुछ सामान वगैरह है, यानी कि वो बिछाने वाले क्लीन वगैरह? वो हम आगे से लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा। या तो इधर होटल से लेके जाएंगे। अच्छा पता करते हैं, फिर हम वो चीजें लेकर चलते हैं। आपको आज आखिरी व्यू दिखाएंगे, लास्ट तक वीडियो देखना है, हमारे साथ रहना है। दोस्तों असा शंगरेला दे जरा मेन लोकेशन है जन फिलहाल उते, लेकिन ये शहर है तो कुछ शहर का विजिट करवा गयो। देख सो ये जाते सारे होटल हैं, काफी रश होने सीजन दे तौर। एक रूम का किराया बहुत महंगा है, तकरीबन 40 तो 50 पर नाइट है। दोस्तों हम जो ना शंगरेला के गेट मेन गेट से क्रॉस हो गए हैं, आगे जा रहे हैं। तकरीबन दो चीजें हमें मिली हैं, यानी कि जितने बंदे होंगे ना एक बंदे को तकरीबन 1000 देना होगा, ये टिकटें मिलती हैं। बाकी ड्राइवर को फ्री जाने देते हैं, अगर कोई जानने वाला हो तो उनका इनको फ्री जाने दे रहे हैं। ठीक है, एक भाई ड्राइवर अभी आया हुआ था मेरे सामने से, उसने कहा यार मैं भी ड्राइवर हूँ, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आप ड्राइवर भी हो, आपने 500 लाजमी देना है, यानी कि उससे 500 लिया क्योंकि इनके जानने वाले होंगे। तो हमने दो सिर्फ टिकटें ली हैं, 1000। अच्छा दोस्तों असा पहुँच गए हैं शंगरेला जी। जी तो पार्किंग है, गाड़ी नहीं पार्किंग खड़ावनी होती है। वाल अंदर जा रहे हैं, ऊपर ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इन पहाड़ के हमने ऊपर जाके आज रोज़ा इफ्तारी करनी। अच्छा यार वो रोज़े वाली वो चीज़ें नहीं लेकर जानी हमने? अच्छा बाद में जाएंगे। तो शंगरेला का वीआईपी जगह जो सबसे मशहूर चीज़ है वो आपको दिखाएं। 1 2 3 ये देखें झील, यहाँ पे कस्से वगैरह होते हैं भाई, जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। यहाँ पर तो नहीं है भाई, सीजन में ओपन होता है ना। अच्छा सीजन में ओपन, वो भाई वो। दोस्तों ये जहाज भी है इधर, उन्होंने पार्किंग के लिए बनाया। जब आपने अक्षय वाली मूवी देखी होगी, वो जो आलू वाली होती है, ये वाला सीन होता है या नहीं होता है? सेम वही जगह है, शायद यहीं से तो नहीं बना के गया। कौन सा वो अक्षय वाली जो आलू वाली होती है? अपना इलाका वो यहाँ पे नहीं होती। सीन तो ऐसा ही था जैसे ये है, सेम वैसे ही है। हम चाइनी फिल्में देखते हैं ना, चाइनी फिल्मों में ज़्यादातर अक्सर जो है ना उनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं इस तरह की होती हैं सेम। और ये जहाज भी है, इसके अंदर तो कुछ नहीं, जहाज गए यानी कि खाने की कुछ चीजें होती हैं। वाह भाई वाह, एक झील के अंदर खड़े हुए हैं। मैं जहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, ये देखें ये झील के अंदर पूरा मकान बना हुआ है,
और ये सारी झीलें नीचे जो मछली है ना वो जो लोग अपने घरों में रखते हैं लाल लाल वाली, ये उसके अंदर हैं मछलियाँ, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, मैं दिखाऊँ बहुत ही कमाल का सीन है। लेकिन अक्सर जो ना यहाँ पर लोग गर्मियों में आता है, जो ग्रीन नहीं होती है, वो आँख अच्छी से अच्छी होती है। और यहाँ पर ये देखो पहाड़ वगैरह, और टिकट भी इसीलिए उन्होंने 1000 की रखी। अच्छा आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ, अभी अभी यहाँ से एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर आ रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का यानी कि पूरा मेन जो है ना एयरपोर्ट, वैसे भी PI का सब का यहीं पर होता है। ये देखें यहाँ से आ रहा है, ये देखो यहाँ से जहाज़ भी आ रहा है, शंगरेला के अंदर हम खड़े हुए हैं, VIP कमाल हो गया। ये यहीं पर रुकेगा मेरे ख्याल में, कोई एक बंदे आए हुए हैं उनको टूर करवाने के लिए। ये बस यहीं पे उतर गया, ये इसका मैदान है। हमारे नज़दीक यहीं पर दिखा रहा है इसका यानी कि लैंडिंग वगैरह यहीं पर बनी हुई है, शंगरेला के अंदर। इन्होंने ना कुछ टिकट दिए ना कुछ, हमने हज़ार हज़ार डाला है, और ये अपने प्राइवेट जेट पे आ गया है, ये यहीं पर लैंड कर रहे हैं, ये देखो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर वो एक फौजी आया था, अभी इनका बड़ा कोई मैनेजर वगैरह होगा, सारे फौजी नीचे आ गए थे। दोस्तों ये दूसरा जहाज आ गया है, पहले वाला तो लैंड कर चुका है और दूसरा आ चुका है। यहाँ पे मुकम्मल कोई आर्मी वालों के लैंडिंग की जगह है, जहाँ पर झील के अंदर एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, VIP मॉल हो गया, क्योंकि हमारा 1000 हमने जो दिया इनको वो पूरा वसूल हो गया। अच्छे अच्छे सीन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक निकलता है दूसरा आज। अच्छा दोस्तों बाकी व्यू देख रहे हैं, एक और ख़ास व्यू है जो शंगरेला के अंदर है, जो यहाँ पे सकर्दों का मशहूर तीन चीज़ें हैं मशहूर है, वो चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं हम। ये तो दोस्तों सकर्दों का मशहूर तीन मारखोर, और काफ़ी सारे, एक नहीं है दो तीन हैं, जो ऊपर भी हैं कुछ नीचे भी हैं, घास वगैरह इनके पास पड़ा हुआ है। घास ये किधर से लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे तो पहाड़ हैं, फिर इनको कैसे डालते हैं? ये वो तो खरीद के लाते हैं, एक तो ये जमा करते हैं, सीजन जमा करते हैं, ये फुल ग्रीन है ना ये सारा, हां घास बड़ा होता है तो काट के इनको रखते हैं। शंगरेला का सारा व्यू कर लिया, अब हमने आपको शंगरेला से ऊपर कौन सी जगह है, अपर लीक, आगे जाकर हम शंगरेला का व्यू दिखाते हैं, फिर आप लोगों को वहीं से हम आगे जाकर अपर चलें भाई। ये हम शंगरेला से बाहर जा रहे हैं, ये शंगरेला का बाहर का गेट। अभी आपको झील दिखाते हैं, ये रास्ते में जा रहे हैं, अभी गाड़ी से उतर आए थे, काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए, हमने उनको भी देखा है, और इस टाइम जो ना झील हमारे थोड़ा नज़दीक है, पहुंचने वाले हैं बस। अच्छा दोस्तों फाइनली असा झील तक पहुंच चुके हैं, ऐसे नहीं, 1 2 3, और ये देखें झील है, कश्तियाँ वगैरह भी इधर हैं पड़ी काफ़ी सारी, लेकिन टूरिस्ट झील के अंदर नहीं आए, वापसी जा रहे थे 3-4, उस मैंने उनको देखा तो आप लोगों के बताए। ये देखें नीचे काफी सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम, ठीक है, खैरियत है? वेलकम टू सकर्दू अपर कचुरा लेक। जी जरूर, थैंक यू। अच्छा ये बोटिंग चलाने वाला बंदा है, राइट होगा, ऐसे जबरदस्त राइट करेगा, मेरे भाई का दिल खुश होगा इंशाल्लाह। जी चलें, करते हैं भाई, आ जाए हमारा दूसरा। बाकी अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे वाले सीन आपको दिखाते हैं, रास्ता इधर से चले। ठीक, कमाल दी चीज़ है ना ये बाइक है, मोटरसाइकिल वाली, मैं चलाई करी नहीं, लेकिन डा नहीं होती फायदा करने, दिल ता दे। ये देख सो बाइक है, जो कश्ती चलाते हैं ना झील के अंदर वो वाली है, और ये भी देखें ऊपर आई हुई है। अच्छा दोस्तों हमने एक कश्ती सेलेक्ट की है, वो बड़ी है, लेकिन वो वाली नहीं की जो बाइक वाली होती है, वो पत्नी महंगी क्या है सीन इन लोगों का। ये एक दो और तीन बंदे हैं,
जो इस बड़ी कश्ती पर बैठेंगे, लेकिन तकरीबन इसमें बंदे ज्यादा काफी आते हैं। चलें अब आ जाएं यहाँ से। चलो यार ये रास्ता है इसका, अभी चल रही है, पता नहीं क्या होता है, मुझे डर लगता है थोड़ा सा। अभी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, भाई ने थोड़ा भगाने, आप देखेंगे क्या सीन होता है, पहली बार बैठ रहे हैं ऐसी कश्ती पे। देखिए जी भाई जान, भगाने आपको भगाना है थोड़ा। यार भाई ने अभी हम दोबारा रुक गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा वो सीन वगैरह बना रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा इंटरव्यू ले रहे हैं इसका। चलें आप दोबारा दोबारा एक स्पीड निकालो, ठीक है भाई, जैसे पहले भगाओ। बात ही नहीं सुनता भाई, क्या करेगा यार, ये फोन तुम पकड़ो, बस करो काफी हो गया। और ये भाई दोबारा जा रहे हैं दूसरे को छोटी कश्ती पे, बस काफी हो गया भाई, यार बहुत थक गए, चक्कर आ रहे हैं अभी। पैसे दे रहा है इसको भाई को, भाई को पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छा राइड दिया है, ये राइड दे आप लोग को, हमने हकीकत है कि इसका राइड अच्छा, आपको भूल जाएगा दूसरा, आप लोग सोचते कि पार्क में वाले वो नहीं है। कितने दे रहे हो? 2500। काफी सारी मस्ती गुल्ला हो गई, आप इफ्तारी का टाइम हो रहा है, आप चलते हैं वहाँ पे इफ्तारी करते हैं। अच्छा दोस्तों वहाँ से तो आ गए थे, लेकिन ये सीढ़ियाँ दोबारा चले नहीं जाती हमसे काफी लंबाई। और ये कश्ती जो बगा रहा था ना, ये उसका छोटा भाई है, ये बड़ा तेज चलाता है, अभी तू भी ऐसे चलाएगा ना जब बड़ा होगा जी। अभी उसको थोड़ी थोड़ी समझ आती है, उर्दू थोड़ी नहीं आती है ना, ठीक ठाक समझ आती है आपको, फिर तो काबू है। इधर टूरिस्ट आ रहा है, घर ऊपर आती है सबको जाती है इसे उर्दू। दोस्तों जैसे मैं ही बैठा और ये बिना भी बैठ गई थी अभी, लेकिन दोबारा आ रही है, ये देखो बहुत ही अच्छे अच्छा रास्ते भी कुछ है, ज़्यादा लंबा है, यानी कि पहले नीचे चले गए थे आसानी के साथ, अब ऊपर नहीं जा रहा हम। ओए यार ये तो जा रहे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे मारो मुझे ओए नज़दीक से नहीं मारो बच्चे शैतान है, गोली मार रहे हैं मुझे, दिखाओ थोड़ा, यही हाथ पे, हाथ पे मारो हाथ पे, ओह उठा रहा है, मैं भाग रहा हूँ। तो हम जो ना पहुंच चुके हैं बाजार के अंदर, और हमने कुछ रोज़ा अफ्तारी के कुछ सामान वगैरह लेने, समोसे और पकोड़े, और इधर मिल जाएंगे ना भाई सब कुछ, बेकरी है पूरी, ये जलेबियाँ और समोसे रखे हुए हैं, काफ़ी सारे सामान पड़े हुए हैं। क्या क्या चीज़ लें? खजूर है, बाकी समोसे, खजूर और बिस्कुट, ये कुछ चीज़ें ले लेते हैं, ऊपर चल के कुछ खाते हैं, क्योंकि हम वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर नहीं आए। और ये दुकान वाला किधर गया है? बाहर गया है, आ रहा है ठीक है, कितने सामान? अच्छा दोस्तों काफ़ी सारा हमने सामान ले लिया है, और समोसे ले रहे हैं तकरीबन 8-10 ले रहे हैं। अच्छा दोस्तों फाइनली असाउंड जगह ते रवाना थी ने पे जेरी पहाड़ी ता समझने रोदा इफ्तारी करना है, ए देखिन सो सीधा सीधा ले चाड़ी है, पता होन लग सी
सारे ऐसे सामान वगैरह गिन के हम चाह के जुलते पे हैं। रोजा तो इधर भी खोल सकते हैं। दिल का क्या करे साहिब, हमारा क्या होगा साहिब, वापसी भी जाना है अभी। कितनी बुलंदी पर हम आ गए हैं भाई साहब, कितनी बुलंदी है ये कहे ये कहते हैं कि केटू पर हम आ गए हैं, लेकिन केटू है तो ज्यादा, ये भी काम नहीं है केटू से, अभी नीचे भी जाना है। ये देखो ये सीधा पहाड़ों से आ रहा है, कोई आसान सा रास्ता नहीं है, जैसे बंदा आसान से आता है रास्ता मस्त नहीं, सीधा पहाड़ से चलना पड़ता है, जैसे वो सेंगो क्या होते हैं सेंगो वाले बड़े बड़े मारखोर जैसे चढ़ते हैं, हमने आज वो वाला काम किया। मजा आ रहा है, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। तो नजर ना आप देख सकते हैं, ये तो भाई ऊपर आने के बाद तो नीचे कोई भी नहीं जाता है। आगे हाँ वाह वाह वाह, उधर लेके जा, रमजान के रोजे खोलने के लिए इधर हम आए थे शिंगरेला के व्यू पॉइंट पे, मगर देखो इन दोनों भाइयों के हालत को देखो, मगर ये लोग मजे भी ले रहे हैं साथ में। ये व्यूज भी देखो आप खुद, ये आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली असा पहाड़ी पे पहुंच गए, जरा सवेर का निकते असें सीन थोक दिखावान का, वी आई पी सीन है, रोजा भी तारी थी उतक रसूँ ते सीन दिखाने तो पहले 1 2 3। ये देखो ये शंगरीला का जो झील है ना, वो पूरा दिल की तरह बना हुआ है, और हमारी इफ्तारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारा भाई सेब और केले दूध दही वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारे निकाल रहे हैं, बाकी का सीन मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। मैं किस चीज़ के लिए इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर देखें एक लाइट ये जगी है, दो तीन चार पाँच पांच लाइटें अभी जगी हैं सिर्फ, अभी हम वेट कर रहे हैं लाइटें का रिव्यू आपको दिखाते हैं जैसे आ जाए रिव्यू। माशाल्लाह पहली पहली अजान आ गई है, चुप चुप भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन लाइटें नहीं जग रही जिसके लिए हम ऊपर आए हैं, थोड़ी थोड़ी जग रही है अभी तक। अजाने आना स्टार्ट हो गई हैं, हमने